हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल नंबर 34. पे अटेंशन. टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल एज शोन इन फिगर. सो एज वी कैन सी इन द डायग्राम, there are inverted L shape floor and wall portion, and in that we have two objects, object A and object B. Ready? A is having 5 kilogram mass and B is having 10 kilogram mass. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. Mu is given, it is a 0.15. A force of 200 newton is applied horizontally to A. What are, chalo pehle kya find karna hai, A portion. The reaction of the partition and B, the action reaction forces between A and B. Ready? So पहले हमें क्या find करना है कि the reaction of the partition, इन दोनों के बीच में एक partition होगा, तो partition का reaction, ready? चलो. So for that, let's draw the free body diagram of A. चलो, तो F पे क्या हो रहा है? So let's draw the free body diagram of A and B simultaneously. चलो, A पे हम force apply कर रहे हैं 200 newton. Ready? So what will happen? अगर यहाँ पे force apply करते हैं, तो ये जो partition है, ये पार्टीशन पे यहां लगेगा n1 और यहां पर भी लगेगा n1, इक्वल एंड ऑपोजिट. सेम ये जो ब्लॉक है, ये वॉल के साथ प्रेशर बनाएगा अंदर, तो यहां पर भी दो फोर्सेस लगेंगे n2 एंड n2. रेडी? एंड यहां पे फोर्स लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, इसका फ्रिक्शन f1 और इसका फ्रिक्शन f2. So if we analyze only about A, अगर सिर्फ A को ही observe करें, तो क्या होगा? A पे एक तो ये 200 newton का force लग रहा है, plus A जो है वो ये direction में लगा रहा है, F1, friction force, और A पे ये जो partition है, ये partition यहाँ पे कितना force लगा रहा है? N1. Ready? तो इतने forces A पे लग रहे हैं. इस ये हो गया A का free body diagram. सेम लाइक दैट, अगर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो बी पे लग रहा है ये एन वन. रेडी? देन ये जो वॉल है, ये भी यहां पे फोर्स लगाएगी, दिस फोर्स इज एन टू, और यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन एफ टू. चलो, अब ए को हम सॉल्व करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम जो ए है ना, ये पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? तो यहां पे जो फोर्स इधर लग रहा है वो है 200, और जो फोर्स ये साइड में लग रहा है वो है n1 प्लस f1. सो यहां पे हम ये फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम फोर्स ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रिक्शन फोर्स. सो दैट वी नो f प्रोपोर्शनल टू n एंड f इज इक्वल टू म्यू एस एन. Here mu is given 0.15 and n, obviously ये हो जाएगा n, तो नीचे आएगा mg, and obviously n is always equal to mg, तो n की जगह लिख देंगे mg. Now we are finding for the first object, m की जगह आएगा 5 और g की जगह आएगा 10, so the answer will be 7.5. This is the maximum value of your
ब्लॉक, रेडी? चलो, सो 200 इज इक्वल टू, दिस इज द एन वन प्लस एफ एस मैक्सिमम इज अ 7.5. फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड एन वन इज इक्वल टू 192.5 न्यूटन, रेडी? नाउ लेट्स फाइंड फॉर द केस नंबर बी, फॉर द ब्लॉक बी. वी कैन से जो फोर्स यहां पे लग रहा है वो है एन टू प्लस एफ टू इज इक्वल टू एन वन. नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ एन वन, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन टू. यहां पे अगेन हमें इसका फ्रिक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा. बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट. एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, वेयर म्यू इज गिवन 0.15 मास. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द सेकेंड स्लैब, सो मास इज द 10 एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो 10. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर द सेकेंड ब्लॉक एंड इट इज द 15 न्यूटन. सो एफ टू इज अ 15 न्यूटन एंड एन वन इज 192.5. सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ एन टू इज 177.5 न्यूटन. Ready? ये ब्लॉक पे जब अंदर प्रेशर करेंगे, यहां पे अंदर की साइड जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये पार्टीशन यहां पे फोर्स लगाएगा, इक्वली फोर्स यहां पर भी लगाएगा क्योंकि पार्टीशन बीच में है, तो पार्टीशन दोनों पे फोर्स लगाएगा. सेम यहां पे जो ये कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट भी क्या करेगा, तो पुश तो बी को भी लगेगा, ये 200 न्यूटन का पुश बी को भी लगेगा. तो बी अंदर की साइड यहां पे प्रेशर लगाएगा N2, फोर्स लगाएगा, इक्वली ये वॉल भी यहां पे लगाएगा N2. सो यहां पे हमने ये N1 और N2 की वैल्यू फाइंड कर ली. दिस इज द आंसर ऑफ अवर केस नंबर ए एंड केस नंबर बी. रेडी? व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड, डज द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के. अगर ये वॉल रिमूव हो जाती है तो, इफ वॉल इज रिमूव्ड, ठीक है, अगर वॉल रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा? आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ओवर हियर. ये वाली वॉल रिमूव हो गई. सो नाउ वी हैव ओनली टू ब्लॉक्स ए एंड बी एंड हियर वी आर अप्लाइंग द फोर्स 200 न्यूटन. दिस इज द 5 किलोग्राम एंड दिस वन इज 10 किलोग्राम. सो वी कैन से एफ इज इक्वल टू, अब फोर्स लग रहा है तो दोनों एक साथ जाएंगे, सो लेट्स फाइंड कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा. रेडी? सो एफ इज इक्वल टू, देखो यहां पे ये दोनों फ्रिक्शन लगा रहे हैं, ए का फ्रिक्शन कितना था 7.5, बी का फ्रिक्शन कितना था 15. सो अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करें कि भाई हमने तो 200 न्यूटन यहां पे लगाया लेकिन सामने वो लोग भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट इज अवर टोटल फोर्स? अवर टोटल फोर्स इज, वी कैन से द नेट फोर्स इज इक्वल टू 200 माइनस 7.5 प्लस 15. So we can say it is a 200 minus 22.5. So our net force is 177.5. Ready? Our net force is 177.5. मतलब अब ये ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स ये लग रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स कितना एक्सेलरेशन मिलेगा? F इज इक्वल टू एम ए. सो नेट फोर्स इज 177.5 इज इक्वल टू टोटल मास, यहां पे हो जाएगा 10 प्लस 5 15 इंटू एक्सेलरेशन ए. रेडी? सो वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 177.5 बाय 15. दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर न्यूमेरिकल। रेडी? चलो आप इसको कुछ डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हम चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। नहीं बस ये एक ही मेथड है, इसके अलावा कोई और मेथड होगी, दूसरी मेथड भी इवेंचुअली यही हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 35। दिस इज द लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, बट स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 35। अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली। दिस इज द ट्रॉली एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द ट्रॉली। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रॉली म्यू एस इज गिवन बाय 0.18। द ट्रॉली एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एंड उसका एक्सलरेशन दिया है a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो कि ये जो ट्रॉली है उस पर व्हील लगे हुए हैं और ट्रॉली यहां पे जा रही है विद दिस एक्सलरेशन एंड इट इज मूविंग फॉर 20 seconds एंड देन moves with uniform velocity. 20 second तक accelerated motion होता है, after 20 with constant velocity. Discuss the motion of the block as viewed by a stationary observer on the ground. मान लो कि ground पे एक stationary observer है तो उसको ये block का motion कैसा दिखेगा। चलो सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर कि ट्रक की ये जो ट्रॉली है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मींस ये डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहां लग रहा है तो वर्चुअल फोर्स कहां लगेगा? वर्चुअल फोर्स लगेगा यहां पे ma। रेडी? सो वी कैन से कि यहां पे वर्चुअल फोर्स है तो ट्रक जब आगे जाएगी, ये ट्रॉली जब आगे जाएगी, इमेजिन करो कि ऐसे ट्रॉली में आप बैठे हो और सडनली ट्रॉली आगे जाएगी तो आपको फोर्स लगेगा पीछे ड्यू टू दिस फोर्स। सो ड्यू टू दिस फोर्स ट्रॉली को पीछे जाना चाहिए पर ट्रॉली नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे लग रहा है फ्रिक्शन Fs। तो देखते हैं अगर ma की वैल्यू ज्यादा है तो ट्रॉली आगे चली जाएगी और Fs की वैल्यू ज्यादा है तो ट्रॉली पीछे रहेगी। रेडी? तो लेट्स फाइंड कि भी ma की वैल्यू क्या है। सो हियर द वैल्यू ऑफ वर्चुअल फोर्स F इज इक्वल टू ma। m इज योर 15 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज 0.5। सो F इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। सो ये जो वर्चुअल फोर्स है वो 7.5 है। लेट्स फाइंड आउट कि ये Fs कितना लग रहा है। सो Fs के लिए तो एक ही फॉर्मूला है जो हमें पता है, एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन एंड एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, और ये हो गया एन और ये हो गया एम जी। सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। सो एफ एस इज इक्वल टू हियर द म्यू एस इज गिवन 0.18 एंड मास इज 15 एंड ग्रेविटी इज अ 10। सो इट विल गिव यू अ 27 न्यूटन। रेडी? चलो सो वी कैन से कि अवर वर्चुअल फोर्स इज मच स्मॉलर देन द फ्रिक्शन फोर्स। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स की। तो जब हमारा वर्चुअल फोर्स 27 को एक्सीड करेगा तभी ये मोशन करेगा। सो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे हियर स्टैटिक फ्रिक्शन इज much larger than virtual force. Here static friction is much larger than the virtual force.
सो वी कैन से ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड विल सी दैट अ ब्लॉक इज स्टेशनरी. रेडी? तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसको ब्लॉक कैसा दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में ब्लॉक हमारा स्टेशनरी है. इसमें दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन में, बी में क्या बोला, एन ऑब्जर्वर मूविंग विद अ ट्रॉली. रेडी? एक ऑब्जर्वर ट्रॉली में है तो उसको ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? रेडी? सो वी कैन से हियर another observer is on same frame of reference of block. जो block का frame of reference है मतलब trolley, इसका भी frame of reference यही है. So both are moving with same acceleration with trolley. So here we can't say anything about it. Ready? चलो, क्योंकि यहां पे दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से जा रहे, दोनों सेम एक्सेलरेशन जा रहे, तो ऑब्वियसली एम ए जो इस पे लगा है वो इस पे भी लगेगा, है ना. ट्रॉली अब आगे जाएगी तो इसको भी तो एम ए लगेगा. इसका मास हमें दिया नहीं है, रेडी, इसके लिए हमें कोएफिशिएंट दिया नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये भाई मोशन में है कि नहीं, क्योंकि ये मोशन में होगा तो इसको ये अलग दिखेगा. दैट्स वाई वी कांट से एनीथिंग बिकॉज हियर द डेटा इज इनसफिशियंट. रेडी? चलो, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 36. द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन. लेट्स ड्रॉ द ट्रक फर्स्ट. लेट्स से दिस इज द ट्रक. रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड. दिस इज द बॉक्स ऑफ मास एम इज इक्वल टू 40 किलोग्राम इज प्लेस्ड 5 मीटर फ्रॉम द ओपन एंड. ये ओपन एंड से 5 मीटर दूर है. रेडी? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.15. बॉक्स और ये सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट कितना है? 0.15. ऑन अ स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट. ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ ट्रक. चलो, मतलब ट्रक क्या कर रहा है, अब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है. एक्सेलरेशन है यहां पे, अब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन यहां पे, तो बॉक्स पे एक वर्चुअल फोर्स लगेगा यहां पे. अगर ट्रक आगे जाती है और हम अगर ट्रक के पीछे बैठे तो हमको पीछे धक्का लगेगा. ये बॉक्स को भी ऐसा धक्का लग रहा है ड्यू टू दिस वर्चुअल फोर्स. तो जब तक ये बॉल, ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा तब तक ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें फाइंड करना है. We have to find the distance covered by the truck. Ready? चलो, so let's find कि यहां पे MA कितना लग रहा है और ये maximum friction कितना generate कर सकता है. So we can say, let's find the MA. Mass of the box is 5 kilogram. Mass of the block is given 40. मास ऑफ द ब्लॉक इज 40 एंड ट्रक का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन यहां पे लगेगा इनटू 2. सो 80 न्यूटन इज द दिस फोर्स.
अब हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन. सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन एंड एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी. सो एफ एस म्यू एस इज गिवन द पॉइंट 15, मास इज 40 एंड ग्रेविटी इज अ 10. सो एफ एस विल बी द 60 न्यूटन. सो वी कैन से कि एक फोर्स यहां लग रहा है वो है 80, एक फोर्स यहां लग रहा है वो 60. दिस वन इज द 80 न्यूटन, दिस वन इज द 60 न्यूटन. सो रिजल्टेंट फोर्स इज 20 न्यूटन मोर इन दिस डिरेक्शन. सो रिजल्टेंट फोर्स इज 20 न्यूटन इन राइट डिरेक्शन. यहां पे हो जाएगा आपका एक्सेस 20 न्यूटन फोर्स. मतलब ये ब्लॉक पे टोटल इतना फोर्स लग रहा है. ड्यू टू दिस फोर्स इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अब कितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा. ठीक है, सो वी कैन फाइंड एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि अब ब्लॉक पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है 20. सो एफ इज इक्वल टू 20 एंड मास ऑफ ब्लॉक इज 40 एंड हियर इज द एक्सेलरेशन ए. रेडी, सो ए इज इक्वल टू 20 बाय 40. सो ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ये बॉक्स जो है इतने एक्सेलरेशन से यहां जाएगा. हमें एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, ये बॉक्स इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, हमें फाइंड क्या करना है, बॉक्स नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे गिरेगा तब तक ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो लेट्स फाइंड द टाइम कि बॉक्स को नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है. सो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 0.5 और यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर. सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट टाइम इज इक्वल टू 4.47 सेकेंड. बॉक्स को नीचे गिरने में इतना टाइम लगेगा, उतने टाइम में ट्रक कितना आगे गया होगा. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. सो डी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 0 प्लस 1/2, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है 2 एंड टाइम इज 4.47 होल स्क्वायर. सो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 19.98 मीटर्स. दिस इज द फाइनल आंसर कि ट्रक 19.98 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब ये बॉक्स उसमें से गिर जाएगा. रेडी, अगेन इट्स दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, है ना, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट ही लगाने हैं एंड सारे न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट लगते हैं कि भाई इस पे वर्चुअल फोर्स लगेगा, उसका फ्रिक्शन देखो, है ना, कौन ज्यादा है कौन कम है, अगर फोर्स ज्यादा है तो नीचे गिर जाएगा, नहीं है तो नहीं गिरेगा, है ना. इवेंचुअली द कंसेप्ट्स आर सेम इन ऑल द न्यूमेरिकल्स. लेट्स बिगिन विद अवर फाइनल न्यूमेरिकल. ये 37 तक ही आ सकते हैं. 38, 39 और 40 जो है वो मैं आपको पिक्स भेज दूंगा, उसमें से देख लेना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा चैप्टर नंबर 6. अ डिस्क रिवॉल्व्स विद अ स्पीड ऑफ 33/3 रेवोल्यूशन पर मिनट. मतलब अगर इसको आप सॉल्व करें तो 33 × 3 99+1, सो 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, तो ये एक डिस्क है और वो ऐसे गोल घूम रही है विद दिस स्पीड. डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, इट इज अ रेडियस, इट इज हैविंग रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर. टू कॉइन्स आर प्लेस एट 4 and 14 सेंटीमीटर अवे. एक कॉइन है यहां पे जो कि ये सेंटर ओ से 4 सेंटीमीटर और एक कॉइन है यहां पे जो कि है 14 सेंटीमीटर अवे.
सो ऑब्वियसली ये डिस्क गोल गोल घूम रही है तो कॉइन्स भी उसके साथ गोल गोल घूमेंगे. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड रिकॉर्ड, ये जो डिस्क है उसको उन्होंने रिकॉर्ड बोला है, इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.15. कौन सा कॉइन बाहर गिर जाएगा और कौन सा कॉइन यहां पे रहेगा. सो वी कैन से कि कॉइन के को क्या होगा कि यहां पे वैसे कॉइन बाहर गिर जाएगा क्योंकि बाहर लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां पे एक फोर्स लगेगा एफ एस. सो यहां पे हम देखेंगे कि अगर कॉइन को स्टिक होके रहना है सेम फोर्स यहां पर भी लगेगा, एफ एस यहां पर भी लगेगा और एम वी स्क्वायर बाय आर यहां बाहर लगेगा, दोनों में सेम ही होता है. अगर इसको यहीं पे डिस्क पे रहना है तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो कॉइन बाहर हो जाएगा. सो फॉर टू बी ऑन द डिस्क कंडीशन एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, अब एफ एस की फॉर्मूला क्या होती है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन और एन की जगह लग देंगे एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. सो हियर एम एम कैंसल्स. सो यहां पे अगर रेडियस को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय म्यू एस जी. लेट्स यूज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो आर इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर की जगह डाल देंगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय म्यू एस जी. रेडी, सो यहां पे एक आर कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये आर को सब्जेक्ट बनाओगे सो म्यू एस जी ऊपर आ जाएगा, म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर. रेडी, सो यहां पे अब म्यू एस की वैल्यू दे रखी है हमें 0.15, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 एंड ओमेगा. सो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगल बाय टाइम. यहां पे हमें क्या दिया 100/3, ये रेवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा, एक पूरा ऐसे गोल कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो 2π एंगल होता है, कितना 2π. तो इसको 100/3 है रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2π एंगल होते हैं, तो ये रेवोल्यूशन की जगह आ गया हमारा एंगल रेडियन. और मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक मिनट में होती है 60 सेकंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड. याद रखो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2π/60 करना है. क्यों, क्योंकि रेवोल्यूशन है, ये क्या है रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ टर्न जिसको मैं एंगल में कन्वर्ट करना है. एक टर्न में 2π एंगल तो हो गया, एक मिनट में 60 सेकंड. रेडी, सो ये हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 2, 200π/180 रेडियन पर सेकंड. तो ये हो गया हमारा ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, वो ओमेगा की वैल्यू आप डाल दोगे यहां पे. सो यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 200π² डिवाइड बाय 180 का स्क्वायर, वो कहां चला जाएगा ऊपर, 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर. रेडी, सो इसको सॉल्व करो, आर इज इक्वल टू 0.15 × 10 × 180 × 180 / 200 × 200 × π मीन्स 3.14 × 3.14. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, लेट्स चेक. सो इसको ये जो ऊपर वाला टर्म है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 48600 डिवाइड बाय ये नीचे वाला जो टर्म है उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 394384. इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर आर इज इक्वल टू 0.12323 मीटर, मीन्स
आर, और यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ये भी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। सो हियर वी कैन से 12 इज अवर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो जो भी रेडियस ये डिस्क पे जो ऐसे रोटेट कर रही है जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, वो डिस्क पे अगर सेफली बैठ के उसके साथ साथ गोल गोल घूमना है, बाहर नहीं गिरना है, तो मैक्सिमम रेडियस 12 होनी चाहिए। जिसकी रेडियस 12 या बिलो 12 है वो सेफली सर्कुलर मोशन करेंगे, जिसका रेडियस 12 से ज्यादा है वो बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉइन 4 सेंटीमीटर का है उसकी रेडियस 12 से कम है, सो 4 सेंटीमीटर कॉइन विल मूव सेफली एंड 14 सेंटीमीटर कॉइन विल थ्रोन आउटसाइड। रेडी, ये सेफली मूव करेगा, ये सेफली मूव नहीं करेगा, दिस इज अवर आंसर। रेडी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर फिनिशिंग अवर चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। You are, if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Don't ever hesitate to ask the question. Thank you very much, students.